हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए यहाँ पर बिहार राज्य में जो है कमेटी की बैठक होने वाली है, जो कि 11 को बताई जा रही है, तो क्या है पूरा नोटिफिकेशन, इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा वीडियो जो है आप लोग के पास जो है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को बनी कमेटी की बैठक 11 को, यानी कि बिहार राज्य में यहाँ पर जो है जितने भी सरकारी जो स्कूल के टीचर बने हैं इनके स्थानांतरण और पदस्थापन ट्रांसफ़र के लिए जो कमेटी बनी है, जो कि हमने आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया था, तो इसकी जो बैठक होने वाली है 11 को, तो क्या कुछ होने वाला बैठक में देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक 11 जुलाई को होगी, यानी कि इस कमेटी की जो है पहली बैठक यहाँ पर 11 जुलाई को होने जा रही है। और शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, यानी कि पिछले सप्ताह इस कमेटी का जो है गठन किया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों के स्थानांतरण और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन आदि पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि ये कमेटी जो इसका पहला यहाँ पर बैठक होने जा रहा है 11 जुलाई को, तो इसी पर यहाँ पर जो है इसी के अनुसार इसका जो रिपोर्ट जारी होगा उसके अनुसार ही शिक्षकों के स्थानांतरण, इसके अलावे सक्षमता परीक्षा जो भी उत्तीर्ण करेंगे शिक्षक उनका यहाँ पर पदस्थापन के लिए जो है निर्णय लिया जाएगा। और शिक्षा विभाग के मुताबिक इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 15 दिनों का समय दिया गया है इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए। और कमेटी जो है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अवकाश तालिका के निर्माण और बिहार शिक्षा सेवा के कैडर के पुनर्गठन पर भी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा अगर हम इस कमेटी की बात करें जिसका गठन किया गया है, तो यह अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति है, अवकाश तालिका यानी कि जो छुट्टी का रहता है अवकाश तालिका जो कैलेंडर बना रहता है, और बिहार शिक्षा सेवा के जो कैडर है इसके पुनर्गठन पर भी ये रिपोर्ट देगी। और कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद यहाँ पर जो है विभाग के अपर मुख्य सचिव और फिर शिक्षा मंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा होगी, यानी कि जब इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दे दिया जाएगा तो जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और शिक्षा मंत्री इस स्तर पर, यानी कि सबसे पहले शिक्षा विभाग के यहाँ पर मुख्य सचिव जो है इसका समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे रिपोर्ट का, और उसके बाद शिक्षा मंत्री के स्तर पर जो है इसकी जाँच होगी, समीक्षा होगी, और इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मालूम हो कि 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है जिनका पदस्थापन किया जाना है, यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर 1,00,000 जो है 87,000 टीचर्स यहाँ पर सक्षमता परीक्षा जो है उत्तीर्ण किए थे नियोजित शिक्षक, और इनका यहाँ पर जो है पदस्थापन होना अभी बाकी है, किया जाना है। इस कारण ही इस कमेटी का गठन किया गया है इनके जो है पदस्थापन के लिए शिक्षकों के, और इन शिक्षकों को विभाग के फैसले का इंतज़ार है। कमेटी में बीपी के राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिक के धनजी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य हैं, यानी कि ये सभी जो इसके सदस्य होगा बताया गया है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन था आज की, जो नियोजित शिक्षक है इन जो 1,87,000 इन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया थे तो इनका पदस्थापन अभी बाकी है, और शिक्षकों का जो स्थानांतरण होने वाला है सरकारी शिक्षक बिहार के सारे, तो इसी के लिए कमेटी का गठन किया गया था। तो उसकी पहली बैठक जो है वह 11 जुलाई को होने जा रही है आपकी,
और जो रिपोर्ट निकलेगी उसको पहले बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है वो इसका समीक्षा करेंगे और उसके बाद बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा समीक्षा किया जाएगा, उसके बाद आपका अंतिम निर्णय लिया जाएगा इससे रिलेटेड। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।